क्यों रुकना है सालों साल, जब पोजीशन मिले इसी साल। मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीजें हैं, वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर में लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मुमरा का हर पोलिंग बूथ इसी तरह से भीड़ से भरा हुआ है, मगर वहीं विधायक जितेंद्र भाट ने वोटिंग की प्रक्रिया ज़बरदस्ती धीमी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो वोट करने वाले लोगों को सुविधाएं दें, मगर लोग पसीने से भीगे हुए हैं। जितेंद्र भाट ने एक बड़ी बात कही है, वोटिंग धीमी कराई जा रही है और दूसरी तरफ लोग बड़ी संख्या में वोट करने के लिए अपने घरों से निकले हैं। जितेंद्र भाट का ये बहुत बड़ा आरोप है कि मुमरा शहर में जिस तरह से आज 20 मई को लोग बड़ी संख्या में वोट करने निकले हैं, वहीं जितेंद्र भाट का आरोप है कि वोटिंग प्रक्रिया जो है वो धीमी कराई जा रही है ज़बरदस्ती। सर, वोटिंग की प्रक्रिया जबरदस्ती स्लो की जा रही है। हाँ। और एक इसमें कानून है कि यू हैव टू मेक वोटर्स कंफर्टेबल। यस, ये पूरे पसीने से लथपथ हुए वोटर्स, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सिंबोजी स्कूल से अभी हम आ रहे हैं, उससे पहले अब्दुल्ला पटेल स्कूल पर थे, फिर कौसा की भी और अलमास कॉलोनी की, तमाम सेंटर से ये शिकायतें आ रही है कि प्रोसेस बहुत धीमी गति से किया जा रहा है, ये जबरदस्ती किया जा रहा है। आयोग से आप क्या इस संबंध में कदम उठाएंगे? अभी कंप्लेंट कर रहे हैं हम। जी,